वाना और वजीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों पर अपनी रिट कायम करने के बाद हुकूमत ने बिलआखिर इस्लामाबाद के सब्जा जारों पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। 9 रोज तक हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की दिन रात की मसाई SSG के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों के बाद हुकूमत ने दहशत गर्दों को मार डाला। कुछ रोज पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने मुकम्मल अस्करी दबदबे से कहा था कि अगर दहशत गर्दों ने हथियार ना डाले तो मारे जाएंगे, और दहशत गर्द मार दिए गए क्योंकि उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। मीडिया से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अब हुकूमत जामिया हिफ्सा का कुछ हिस्सा मसमार करके यहाँ पार्किंग स्टैंड बनाएगी और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को मुल्क के दीगर तालीमी इदारों में तालीम दिलाएगी। इस ऑपरेशन का कमाल ये था कि हुकूमत ने 3 जुलाई से 12 जुलाई तक किसी मीडिया पर्सन को वहां तक रसाई हासिल नहीं करने दी जहां ये आग और खून की होली खेली गई। कर्फ्यू लगाकर लाल मस्जिद और इर्द गिर्द कई किलोमीटर इलाके को जमीनी हकाइक से काट दिया। सहाफियों को खारदार तारों से परे धकेल दिया। सानहे तक उनकी रसाई को हर तरह नामुमकिन बना दिया। वो मीडिया पर्सन जो किसी तरह जाए सानिया से 200-300 मीटर तक छुप छुपा कर बैठे थे उन्हें भी वहां से भगा दिया। ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हुआ तो सरेंडर पॉइंट पर मौजूद कैंप से भी उन्हें निकाल दिया, हस्पतालों से निकाल दिया और हुक्म सादिर हुआ कि अगर कोई सहाफी हस्पताल के नजदीक दिखाई दिया तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। और 12 जुलाई की खबरों के मुताबिक उन्हें इस्लामाबाद के उन कब्रिस्तानों के नजदीक जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही थी जहां इस बात का इम्कान है कि मरहूमीन की तदफीन होगी। अब्दुल सत्तार ईदी का बयान 12 जुलाई एक्सप्रेस और दीगर अखबारात में शाया हुआ कि 800 कफन दे चुका हूं, हुकूमत ने 200 और मांगे हैं, इनमें वो 300 चादरें शामिल नहीं जो अलग से मांगी गई हैं। 12 जुलाई के अखबारात ने 6 सुर्खियों से वफाकुल मदारिस का बयान शाया किया कि लाशों की इज्तमाई तदफीन की जा रही है। 12 जुलाई तक अब्दुल रशीद गाजी की वालदा की लाश नहीं मिल सकी, जबकि हुकूमत ये भी कहती है कि खवातीन इस ऑपरेशन में नहीं मारी गईं। मालूम नहीं कि उनके दीगर अजीज़ो अकरबा जिनमें गाजी का भांजा और शेखुल हदीस मामूजाद भी शामिल है अब तक लाशों के ढेर से बाजियाब हुए हैं या नहीं। हुकूमत लाल मस्जिद से तबाकुन असलहा बरामद कर चुकी थी। 12 जुलाई तक ऐसा कुछ सामने नहीं लाया गया। अलबत्ता ये खबर जरूर अखबारात में छपी कि बेशतर लाशें झुलस गई हैं जिनकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं। इतलात के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी ने आखिरी वक्त 3 कलमों का विरोध किया, सरेंडर करने से इनकार किया और उन्हें 36 गोलियां मारकर दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उसने मरहूम की बहनों और भाई को तदफीन में शिरकत का हुक्म सादर कर दिया। 12 जुलाई के रोजनामा जना लाहौर ही के मुताबिक बलोचिस्तान से असलहा लाल मस्जिद में पहुंचाकर तलबा के सर पर ढाला जाएगा। और 12 जुलाई ही की खबर है। फौजी तर्जुमान मेजर जनरल वहीद अरशद का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान खुदकुश हमला हुआ, ना कोई गैर मुल्की पकड़ा गया, जबकि अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी इंडोनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमा लें, पाक फौज जनूबी एशिया में खराब सूरत हाल की जिम्मेदार है। अमेरिकन पाकिस्तानी सरहदों में मदारिस और बेगुना अवाम को मिजाइलों और बम्बारी का निशाना बनाते हैं, इसके बावजूद कि हमारी रोशन ख्याल एतदाल पसंद हुकूमत इस कत्ले आम का जिम्मा अपने सर लेती है, अमेरिकी सारा खेल बिगाड़ देते हैं, ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को एतमाद में लेने के बाद उनकी मुआवनत से हमला किया था, वैसे बहुत हैरत होती है। लाल मस्जिद के मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया? इस सारे ऑपरेशन का स्क्रिप्ट किसने लिखा? बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में लाल मस्जिद के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा किया गया? आप ये सब जानेंगे ऑपरेशन साइलेंस की अगली किस्त में।